देते हैं, फिर लग 84 में पड़ गया, फिर बिछुड़ जाओ, फिर याद नहीं होगा, फिर मिलना नहीं होगा। इसलिए सोचे प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और तीसरी भक्ति अमान, अमानित होकर के, किसी की मान की चाहना नहीं करे, मुझे आदर देगा कि सम्मान देगा नहीं, अमानित होकर और भगवान का भजन करे। और शबरी मोती संत अधिक कर लिए का, मेरे से मेरे संतों को अधिक माने, विशेष माने, ज्यादा महत्वपूर्ण मान करके भक्ति करे, वो मुझे बहुत प्रिय है। और छल रहित होकर के भक्ति करे, कपट रहित होकर के भक्ति करे, कपट नहीं होना चाहिए। जो भी करो, जैसे भी करो, मैं तो कहता हूं जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ाते हो तो कपट रहित होकर के, मेरी कर्मा भाई चढ़ाते थे ऐसे चढ़ाते, और वहां भी हम तो जाते तो वहां भी हमारे तो छाती कुटा वही लगा रहता, फोटो खींचने वाला, भगवान को हंसी आती होता, अब जावेगा वहां जाकर के जल चढ़ाएगा, फोटो खींच, भगवान के सामने देखता ही नहीं, बस जो भी है उसको पटक करके आता है वापस, फोटो खिंचाने में रह जाता है, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता लिख देते हैं बाहर के फोटो खींचना मना है, लेकिन उनके बाप की नहीं माने हो तो आपकी क्या मानेगा। कई लोग कहते हैं मैं तो मेरे बाप की नहीं मानता, ऋषि के बाप की नहीं मानता, ये लपड़ा कहाँ से चालू हुआ पता है? एक बार अकबर बादशाह बैठे थे और उसके बेटे को कहा अकबर ने, बोले बेटा इधर आओ, जी हुकुम, हाजिर हूं, बोले इस महल के ऊपर चढ़ जा, महल के ऊपर चढ़ गया हूं, पिताजी क्या आज्ञा है? बोले अब इस महल के ऊपर से कूद जा नीचे, बोले मर जाऊंगा, हाथ पैर तुड़वाओगे क्या? अरे मैं खड़ा हूं ना, मैं तुझे नीचे नहीं गिरने दूंगा, मेरे हाथ देख ये सामने खड़े। उसका मन माना नहीं, दो बार तीन बार कहा, अरे कूद जा, बाप के ऊपर भरोसा कर, मैं तेरा बाप हूं, तेरी बर्बाद थोड़ी करना चाहता हूं। बोले पक्की बात है? बोले पक्की बात है। बेचारा वो विश्वास करके और कूद गया, हाथ नीचे थे, अकबर ने हाथ हटाए, नीचा गिर गया और पैर टूट गया। अरे ये क्या कर दिया पिताजी? बोले तुझे शिक्षा दे रहा हूं बेटा कि बाप के ऊपर भी भरोसा मत करना, दुनिया काम की नहीं, तेरा बाप धोखा दे सकता तो दुनिया कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए लोग कहते हैं किसी के बाप पर मैं तो भरोसा नहीं करता, अब ना करे तो ना करे, कौन समझाओ उसको। तो भगवान के वहां जाते हो, भगवान शिव जी के ऊपर बिल पत्र चढ़ाते हो ना, अभी तो गए होंगे आप लोग, सब जाते ही हो और जाना भी चाहिए, बिल पत्र चढ़ाते हो, चढ़ाते हो बिल पत्र में कितने, तीन पत्ती होती है, क्यों तीन क्यों होती है, क्यों चढ़ाते हो बताओ? अब शिव पुराण तो कर नहीं रहे इसलिए विस्तार से समझाए, लेकिन थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। तीन पत्ती जो है ये ब्रह्मा जी है, बाबा ब्रह्मा, ब्रह्मा इधर वाले और इधर वाले विष्णु जी, बीच वाले शंभु शिव, इसलिए त्रिदेवताओं के साथ में पूजा हो जाती है, उनके ऊपर एक बिलपत्र चढ़ावे और जल का अभिषेक करे, और कुछ करना ही नहीं फिर भी भगवान प्रसन्न हो जाते, तब भी कर कहां रहे हम? बजा करके सुनाना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गाओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, हर भोले, भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ा करके जल चढ़ावे उसका कल्याण है, बाबा खुश हो जाते हैं। और घर में बैठ करके भी ऐसा करो,
जब पति बहुत गुस्से होकर के घर आवे और आप आकर के कहे कि अरे ये क्या कर दिया, तब गाया करो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या कर रही, बोले बस जो करना वही कर रही हूँ। अरे मुझे प्यास लगी है चाय पीनी, बोले थोड़ी देर बैठो और बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। क्योंकि आपका शिव है वो, इसलिए शिव को खुश रखो और शिव प्रसन्न रहेंगे तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई नाराज हो जावे। बाबा को खुश रखो, बाबा बाबा की है।